नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 24 मार्च। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा घेरने जा रहे राजद कार्यकर्ता और पुलिस में हुई झड़प। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक के खिलाफ विधानसभा में फाड़ी गई बिल की कॉपी। बिहार में कॉपी किताब की कीमत में हुई वृद्धि। बिहार पंचायत चुनाव में सरकारी कर्मी नहीं बनेंगे अब मतगणना एजेंट। बिहार में कोरोना जाँच के लिए आगे आई मोबाइल टीम। अब चलिए बढ़ते हैं 25 बड़ी खबरों की ओर। मधुबनी के कपिलेश्वर मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। यह मंदिर रहिका प्रखंड में कपिलेश्वर गांव में स्थित है। मान्यता है कि यह मंदिर कपिल मुनि द्वारा स्थापित है। यहां सालों भर प्रतिदिन भारी संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा दर्शन पूजन एवं जलाभिषेक किया जाता है। साथ ही यहां प्रतिवर्ष श्रावण मास में एक महीने तक श्रावणी मेले का आयोजन किया जाता है। इस दौरान यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। शराब कारोबारियों को रोकने के लिए सीमाओं पर शुरू हुई जांच। बिहार में शराबबंदी लागू है, हालांकि इसके बावजूद बीते कई दिनों से शराब को लेकर बिहार सरकार चौतरफा घिरती नजर आई है। इसी बीच अब बिहार में इस कानून को सख्ती से पालन करते हुए और इसके साथ ही कानून का पालन नहीं करने वालों पर नकेल कसने के इरादे से बिहार सरकार के आदेश के बाद सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया गया है, जिसके तहत ही सीमाओं पर चेकिंग अभियान की शुरुआत कर दी गई है, जिसके कारण 48 घंटे से ऊपर तक कतार देखने को मिल रही है। हालांकि जांच को लेकर उत्पाद विभाग आम नागरिकों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। उत्पाद विभाग के जांच के कारण ही लोगों को लंबे जाम का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के गांव में 10 लाख सोलर लाइट लगाने में हो सकती है देरी। बिहार के गांव में सोलर लाइट का जाल बिछाने में बिहार सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ जुटी हुई नजर आ रही है। हालांकि अब मिली जानकारी के अनुसार बिहार के गांव में 10 लाख सोलर लाइट लगाने के काम में अब देरी होने की बात कही जा रही है। खबरों की माने तो पंचायत चुनाव में हो रही देरी का असर अब गाँव को जगमग करने वाली सोलर लाइट योजना पर देखने को मिल रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बाबत आदेश भी जारी कर दिया है, जिसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि पूर्व से घोषित जिन योजनाओं पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है उन योजनाओं को पूरी तरह से बंद किया जाएगा। गांव में सोलर लाइट लगाने की योजना अभी तक समिति के पास ही है। पंचायत चुनाव की घोषणा होने के पहले अगर अब कैबिनेट की मंजूरी मिलती है और काम शुरू हो जाता है तो योजना शुरू हो जाएगी, वरना पंचायत चुनाव के बाद नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के कार्यालय में यह योजना शुरू होगी। 10 से अधिक कर्मचारी रखने वाले दुकानदारों को करना होगा नए नियमों का पालन। बिहार में 1 मई से 10 से अधिक कर्मचारी रखने वाले दुकानदारों को ESIC का लाभ देना अनिवार्य कर दिया गया है। श्रम संसाधन विभाग ने किसी भी तरह के निजी संस्थानों, दुकान कोचिंग या अन्य कारोबारियों के यहां पर काम करने वाले हर कर्मियों को ESIC से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। विभाग ने इसको लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिया था, जिसका पालन 1 मई से किया जाएगा। इससे पहले राज्यभर में ऐसे कर्मचारियों की संख्या का ब्यौरा कर विभाग को देने का निर्देश दिया गया था। इसके साथ ही अब नए नियमों के अनुसार कोई भी कर्मचारी चाहे तो वो ESIC का लाभ नहीं मिलने की शिकायत भी कर सकता है। बिहार में कोरोना जांच के लिए आगे आई मोबाइल टीम। भारत के अन्य राज्यों में कोरोना की रफ्तार काफी ज्यादा बढ़ गई है। जहां एक तरफ स्वास्थ्य विभाग इस बात को लेकर राहत की सांस ले रही थी कि शायद वैक्सीन के आ जाने और कोरोना के मामलों में आई गिरावट के बाद भारत कोरोना पर जीत दर्ज कर लेगा, मगर ऐसा हुआ नहीं है। कोरोना की लहर एक बार फिर से उठ गई है। वहीं अब बिहार में भी मामलों में मामूली ही सही मगर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसी क्रम में अब बिहार सरकार ने कोरोना की जांच को लेकर मोबाइल टीम का गठन किया है, जिसके तहत बिहार में मोबाइल टीम घूम घूम कर संदिग्धों की कोरोना जांच करने का काम कर रही है। होली के अवसर पर राज्य के बाहर से आने वाले प्रवासियों से फिर एक बार कोरोना फैलने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने उनकी जांच की व्यवस्था की है। बिहार में कॉपी किताब की कीमत में हुई वृद्धि। अगले महीने से बिहार में नए सत्र की शुरुआत होने वाली है। हालांकि इस बार छात्रों और खासकर के अभिभावकों की जेब नए सत्र में और ज्यादा ढीली होने वाली है। खबरों की माने तो कॉपी किताब की कीमतों में 10-15% की बढ़ोतरी की गई है। नामी स्कूल की लिस्ट में शुमार होने वाले स्कूलों में पहली से आठवीं तक के कॉपी किताब के सेट की कीमत 8,000 से 10,000 रुपए तक की है। नए सत्र में प्राइमरी के बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन, इसकी भी अभिभावकों को जानकारी नहीं है, फिर भी वो किताब खरीदने के लिए मजबूर है। आपको बता दें कि स्कूलों में वार्षिक परीक्षाएं लगभग खत्म हो चुकी और परिणाम की तारीख के साथ साथ अभिभावकों के पास कॉपी किताब की सेट खरीदने के संदेश भी आने लगे हैं। पंचायत चुनाव में अनुमति के बगैर सभा नहीं कर पाएंगे उम्मीदवार। पंचायत चुनाव के दौरान बिना अनुमति के किसी को भी सभा का आयोजन नहीं करने की सलाह दी गई है। इतना ही नहीं, ये भी साफ कर दिया गया है कि बिना अनुमति के सभा का आयोजन करवाया गया तो उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनावी सभा के आयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी से पहले अनुमति लेनी होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग के अनुसार उम्मीदवार को स्थानीय थाने में भी सभा के आयोजन की पूर्व सूचना देनी होगी, ताकि शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा यातायात करने में पुलिस आवश्यक प्रबंध कर सके।
झारखंड से बिहार और ओडिशा का सफर होने वाला है अब और भी आसान। झारखंड से बिहार और ओडिशा का सफर अब काफी ज्यादा आसान होने वाला है क्योंकि ट्रेन में यात्रियों की भीड़ को कम करने के लिए रेलवे बोर्ड ने और ज्यादा ट्रेनों के परिचालन को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब जल्द ही धनबाद पटना एक्सप्रेस और धनबाद भुवनेश्वर गरीब रथ एक्सप्रेस पटरियों पर दौड़ने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार रेलवे बोर्ड ने सभी जोन को 10 अप्रैल से पहले 90% ट्रेनों को चलाने का आदेश दिया है। इधर पूर्व मध्य रेलवे ने 10 अप्रैल तक 95% ट्रेनों के परिचालन का लक्ष्य रखा है, जिसके बाद ही अब झारखंड के धनबाद से बिहार के पटना जाने वाली धनबाद पटना एक्सप्रेस और धनबाद भुवनेश्वर गरीब रथ एक्सप्रेस जल्द पटरियों पर दौड़ेगी। कैग की रिपोर्ट में पटना में गंगा पथ के लिए बिना जरूरत ऋण की निकासी की कही गई बात। राजधानी पटना में निर्माणाधीन गंगा पथ के लिए हुडको से अनावश्यक ऋण निकासी के कारण सरकार को 37.75 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ा है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग के विधानसभा पटल पर रखी गई रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख भी किया गया है। आपको बता दें यह मामला बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड से संबंधित है। कैग की तरफ से जारी किए गए रिपोर्ट में यह साफ कहा गया है कि गंगा पथ निर्माण कार्य की धीमी प्रगति के कारण ऋण की कोई आवश्यकता नहीं थी। कंपनी ने हुडको को ऋण राशि के रूप में लिए 150 करोड़ को दिसंबर 2015 में और दिसंबर 2017 में 43 करोड़ रुपए वापस कर दिए हैं। जमीन का लगान ऑनलाइन जमा करने से अब होगा दोगुना फायदा। बिहार के किसानों के लिए लगान के भुगतान की प्रक्रिया एक बड़ी समस्या रही है। इसको लेकर कर्मचारी की खोज में किसानों को सबसे ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हालांकि किसानों की सहूलियत के लिए ही अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने ऑनलाइन लगान भुगतान की शुरुआत की थी, तो पहले साल में मुश्किल से 10,000 किसान इसका उपयोग करने में कामयाब हो पाए थे। हालांकि अब इनकी संख्या लाखों में पहुंच गई है। राज्य में जमीन की जमाबंदियों की कुल संख्या 3,78,00,000 है। इनमें से करीब 61,00,000 रैयत ऑनलाइन भू लगान जमा कर रहे हैं। यह संख्या साल दर साल बढ़ रही है। विभागीय मंत्री रामसूरत राय ने कहा है कि ऑनलाइन व्यवस्था के प्रति आम लोगों का रुझान उत्साहवर्धक है। बिहार पंचायत चुनाव में सरकारी कर्मी नहीं बनेंगे मतगणना एजेंट। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अब एक और बड़ी अपडेट साझा की है, जिसके तहत बिहार पंचायत चुनाव 2021 में मतगणना के दौरान कोई सरकारी व्यक्ति मतगणना अभिकर्ता यानी कि एजेंट नहीं बन सकेगा। अगर निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी किए गए आदेश के बावजूद अगर कोई सरकारी कर्मचारी ऐसा करता है तो उसे 3 महीने की जेल की सजा और जुर्माने के साथ साथ दंड भी दिया जा सकता है। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉ दीपक प्रसाद ने मतगणना हस्त पुस्तिका जारी की है। इसके अनुसार राज्य में पहली बार ईवीएम के माध्यम से होने वाले पंचायत चुनाव में मतगणना से संबंधित दिशा निर्देश का पालन किया जाना जरूरी है। उप मुख्यमंत्री के हाथ से की गई कागज छीनने की कोशिश। विधानसभा की कार्रवाई के दौरान खूब हंगामा देखने को मिला, जहां एक तरफ विपक्षी विधायक हाथ में पोस्टर लेकर नारेबाजी करते वेल में देखे गए, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी सदस्य उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद सदन में प्रस्ताव जब पढ़ रहे थे, इसी दौरान कुछ विपक्षी सदस्यों ने उनके हाथ से कागज छीनने की कोशिश की। इस हरकत के बाद सत्ता पक्ष भी आक्रामक दिखा और कड़ा प्रतिकार भी करते देखे गए। हालांकि डिप्टी सीएम के हाथों से कागज छीनने में वो सफल नहीं हो सके। विपक्षी सदस्यों की इस हरकत से सत्ता पक्ष के लोग भी खड़े हो गए। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने तत्काल वहां पर सुरक्षा टाइट कर दी और मार्शल को भी लगा दिया। बिहार विधानसभा घेरने जा रहे राजद कार्यकर्ता और पुलिस में हुई झड़प। राजद की तरफ से बीते दिन विधानसभा का घेराव करने के इरादे से राजद का काफिला निकला, लेकिन यह काफिला इतना बेकाबू हो गया कि स्थिति अनियंत्रित हो गई, जिसके बाद ही पुलिस को भी बल का इस्तेमाल करना पड़ा, जिससे कई राजद कार्यकर्ताओं को भी चोट आई। इतना ही नहीं, उग्र हुए राजद कार्यकर्ता पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करके भी उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन कार्यकर्ता नहीं माने तो लाठीचार्ज किया गया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राजद की तरफ से विधानसभा का घेराव करने के फैसले के बाद से ही इनकम टैक्स डाक बंगला जेपी गोलंबर राम गुलाम चौक कारगिल चौक हड़ताली मोड़ सचिवालय मोड़ आर ब्लॉक गर्दनीबाग होर्डिंग रोड पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम कर दिए गए थे। इतना ही नहीं, बाद में जाकर तेजस्वी तेज प्रताप यादव और कई वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में भी ले लिया गया था। अब विद्यापति के नाम से होगा दरभंगा एयरपोर्ट। दरभंगा एयरपोर्ट का नामकरण कर दिया गया है, जिसके तहत अब इस एयरपोर्ट का नाम महाकवि कोकिल विद्यापति के नाम पर रखा जाएगा। इस संकल्प को विधानसभा ने पास कर दिया है। कल सदन में काफी हंगामा देखने को मिला। हालांकि हंगामा शुरू होने और सदन को स्थगित करने के बीच में ही संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने सदन में दरभंगा हवाई अड्डे के नामकरण का संकल्प पेश किया, जो कि पास कर दिया गया। अब बिहार सरकार के इस सिफारिश को केंद्र सरकार के पास भेज दिया जाएगा। तीरथ सिंह रावत के बाद अब मांझी ने भी पश्चिमी सभ्यता के खिलाफ उठाई आवाज। कुछ दिनों पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भारतीय युवतियों की फटी जीन्स पहनने को लेकर अपना बयान जारी करते हुए कहा था कि यह भारतीय संस्कृति में नहीं है और ऐसे लोगों में संस्कार की कमी है, जिसके बाद काफी बवाल शुरू हो गया था। इसी क्रम में अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी भारतीय संस्कार और पश्चिमी रंगढंग को लेकर अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि आज के बच्चे पूरी तरह से पश्चिमी रंगढंग को अपना रहे हैं और वो बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेना भूल गए हैं।
45 से ऊपर के सभी लोगों को अब 1 अप्रैल से लगेगी वैक्सीन। कई राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर देखने को मिल रही है, जिसके बाद अब मोदी सरकार ने कोरोना के रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को बढ़ाने पर जोर दिया है, जिसके तहत ही अब देश में 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना का टीका दिए जाने का काम किया जाएगा। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी, जिसके तहत उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक उम्र के सभी लोग कोरोना रोधी टीका लगवा सकते हैं। हमारी यह अनुरोध है कि इसके लिए सभी तुरंत ही पंजीकरण करवाएं और टीका लगवाएं। देश में टीका भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, कोरोना वैक्सीन की फिलहाल कोई कमी नहीं है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि वर्तमान समय में 45 से अधिक उम्र के बीमारी से ग्रसित लोगों को ही टीका लगाने का काम किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने राजद की मासिक पत्रिका का किया विमोचन। युवा राजद की तरफ से विधानसभा का घेराव किया गया, जिसमें तेजस्वी यादव भी शामिल हुए थे। हालांकि घेराव से पहले तेजस्वी यादव ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि राम मनोहर लोहिया की आज जयंती है, सड़क जब खाली हो जाए तो संसद आवारा हो जाएगी, इसलिए जनता के सवाल को लेकर विधानसभा तक मार्च किया जाएगा। इस दौरान तेजस्वी यादव ने लोहिया जयंती और भगत सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर दोनों विभूतियों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनता दल की मासिक पत्रिका राजद समाचार का विमोचन भी किया। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। कोलकाता से आगरा के बीच 1855 में पहली बार टेलीग्राफ से लंबी दूरी का संदेश प्रेषित आज के दिन किया गया था। घातक संक्रामक बीमारी टीबी का पहचान 1882 में आज के दिन हुआ था। इससे पता लगाने वाले वैज्ञानिक को बाद में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। मोरारजी देसाई 1977 में भारत के चौथे प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आज के दिन बनाई थी। भारतीय सेना ने 1990 में श्रीलंका छोड़कर स्वदेश वापसी आज के दिन की थी। बॉलीवुड स्टार इमरान हाशमी का 1979 में जन्म आज के दिन हुआ था। भारतीय हॉकी खिलाड़ी एड्रियन डिसूजा का 1984 में जन्म आज के दिन हुआ था। आज के दिन को ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस, विश्व तपेदिक दिवस, विश्व टीवी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। पहले वनडे में 66 रनों से जीती टीम इंडिया। भारत इंग्लैंड के बीच पहले वनडे मैच में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को करारी हार दी है, जिसके तहत इंग्लैंड को 66 रनों से हरा दिया है। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 317 रन बनाए थे। इंग्लैंड को 318 रन का लक्ष्य रखा था, लेकिन इंग्लैंड की पूरी टीम 42.1 ओवर में ही मात्र 251 रन बनाकर और पूरी टीम जो है वो आउट हो गई। इसके साथ ही इस मैच को भारतीय टीम ने 66 रनों से जीत लिया है। इसके साथ ही तीन वनडे मैच की सीरीज का पहला ही मैच जीतने के बाद अब टीम इंडिया ने सीरीज पर 1-0 की बढ़त बना ली है। टीम इंडिया की इस जीत में बल्लेबाजों से लेकर गेंदबाज और फील्डर्स सभी की पूरी भूमिका देखने को मिली। हर खिलाड़ी ने अपना 100% दिया, चाहे वो नई खिलाड़ी हो या फिर पुराने खिलाड़ी। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक के खिलाफ विधानसभा में फाड़ी गई बिल की कॉपी। बीते दिन विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक को लेकर काफी बवाल देखने को मिला, जिसके तहत विपक्षी दलों ने सड़क से लेकर सदन तक इस बिल का विरोध किया। सिर्फ विरोध ही नहीं बल्कि खूब नारेबाजी भी की गई। इसी क्रम में बीते दिन विपक्षी दलों ने वेल में आकर नारेबाजी की। इस दौरान 11:06 पर सभा अध्यक्ष ने 12 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया था। इसके बाद जब दोबारा कार्रवाई शुरू की गई तो एक बार फिर से विपक्षी दलों ने जबरदस्त हंगामा किया। इस दौरान विपक्षी दलों ने बिल की कॉपी फाड़ी। सदन में हो रहे हंगामे के बाद एक फिर विधानसभा अध्यक्ष ने 2 बजे के लिए इसे स्थगित कर दिया था। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार सशस्त्र पुलिस बल विधेयक काला कानून है और इसे किसी भी हालत में सदन में पास नहीं होने दिया जाएगा। वनडे डेब्यू पर भावुक दिखे कृणाल। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले वनडे मैच में कृणाल पांड्या और प्रसिद्ध कृष्णा टीम की तरफ से डेब्यू कर चुके हैं। कृणाल को भाई हार्दिक पांड्या ने वनडे कैप थमाई, जबकि कृष्णा को हेड कोच रवि शास्त्री ने कैप दी। वनडे क्रिकेट में अपने डेब्यू के मौके पर कृणाल भावुक हो गए और उन्होंने आसमान की तरफ देखते हुए अपने पिता को याद किया। इस दौरान हार्दिक उनका हौसला बढ़ाते हुए नजर आए। इसी बीच भारत के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने भी कृणाल की फोटो को शेयर करते हुए एक खास मैसेज लिखा है। वसीम जाफर ने कृणाल पांड्या इमोशनल फोटो को शेयर करते हुए लिखा, मेरी आंखों में कुछ है। आपको बता दें कि कृणाल के पिता ने जनवरी में ही दुनिया को अलविदा कहा है। सुशांत की फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने के बाद भावुक हुए पिता। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे को हाल ही में 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म का अवार्ड मिला है। सुशांत अब इस दुनिया में नहीं रहे, बीते साल ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा है। वहीं उनकी फिल्म को मिले इस सम्मान के बाद अब उनके पिता ने भी बेटे की इस उपलब्धि पर खुशी जताई है, जिसके तहत उनकी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिलने पर उनके पिता केके सिंह की आंखें भर आईं। भावुक पिता ने कहा कि काश आज वो जिंदा होता। सिर्फ पिता ही नहीं, सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने से पटना स्थित उनकी कॉलोनी के लोगों में भी खुशी देखी गई। सुशांत के पिता ने आगे कहा कि सुशांत के जाने से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो मुमकिन नहीं है, लेकिन सुशांत को मिले इस सम्मान से हम खुश हैं।
मार्शल आउट के बाद स्पीकर चैंबर के सामने धरने पर बैठे विधायक। बीते दिन का विधानसभा सत्र हंगामे के नाम रहा, जहां समय समय पर विपक्षी दलों की तरफ से हंगामे का माहौल देखने को मिला। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। शाम 4 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष के विधायक एक बार फिर हंगामा करने लगे। इतना ही नहीं, आक्रोशित विपक्षी दलों ने तो रिपोर्टर्स टेबल भी तोड़ दिया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने मार्शल आउट करने का आदेश दिया। इसके बाद कई विधायकों को मार्शल बाहर लेकर गए। इससे नाराज राजद समेत अन्य विपक्षी दलों के विधायक विधानसभा अध्यक्ष के चेंबर के सामने ही धरना देना शुरू कर चुके थे। आज उपाध्यक्ष पद का होगा फैसला, उसका बिहार विधानसभा को आज उसका नया उपाध्यक्ष मिल जाएगा, क्योंकि इस पद को लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से जदयू विधायक महेश्वर हजारी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। बिहार विधानसभा के सचिव राजकुमार सिंह के कक्ष में नामांकन पत्र भी दाखिल किया गया है। इस मौके पर खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत एनडीए के बड़े नेता मौजूद नजर आए थे। महेश्वर हजारी के नामांकन के बाद विपक्ष की तरफ से राजद विधायक भूदेव चौधरी ने भी नामांकन किया है, जिसके बाद अब आज वोटिंग के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। हालांकि सदन में एनडीए को बहुमत है, लिहाजा जदयू विधायक महेश्वर हजारी की जीत में परेशानी नहीं होनी चाहिए। बिहार के रहने वाले आईपीएस अफसर को दिया गया जबरन रिटायरमेंट। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार मुख्यमंत्री से सीधा टकराने वाले चर्चित आईपीएस अफसर को सरकार ने अनुपयुक्त बताया है और साथ ही जबरदस्ती रिटायरमेंट की चिट्ठी भी पकड़ाने का काम किया है। इसके साथ ही दो अन्य आईपीएस अधिकारियों को भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का काम किया है, जिनके भी ऊपर गंभीर आरोप लगे थे, जिसके तहत बिहार के रहने वाले यूपी कैडर के चर्चित आईपीएस अमिताभ ठाकुर को सेवा पूर्ण होने से पहले ही अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई है। इस बारे में अमिताभ ठाकुर ने खुद ट्वीट कर जानकारी दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, अमिताभ ठाकुर ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव से सीधा टकराते हुए उनके खिलाफ लखनऊ में केस दर्ज कराया था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है दिव्यांशु कुमारी, नेहा कुमारी, प्रिया रंजन, संदीप कुमार, साहिल कुमार, गोपी गुप्ता, शशि भूषण, साहिल राज, मधु माला कुमारी, बीरेंद्र सिंह, खुशबू रहमान, शंकर मुखिया, रमिता गुप्ता, संजय कुमार राज, वर्षा कुमारी, पुरुषोत्तम कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आपको बिहार की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।